आयुष्मान कार्ड से मिलने वाली सेवाएं हुई बंजिया। दोस्तों जितने भी लोग जो कि गरीब लोग हैं आयुष्मान कार्ड के माध्यम से अपना इलाज करवाते थे, बड़े बड़े ऑपरेशन करवाते थे और जरूरत के समय में आयुष्मान कार्ड ही उनका सहारा बनता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। 1 जुलाई से आयुष्मान कार्ड से संबंधित जितनी भी सेवाएं थी वो सेक्टर जो है प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो बंद करने वाले हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा उनकी जो बाकी के इलाज की पेमेंट है वो नहीं की गई है और इसी की वजह से बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। प्राइवेट डॉक्टर जो है आज जिला सचिवालय में भी पहुंचे हैं डीसी करनाल से मिलने के लिए और जितने भी लोग जो कि गरीब लोग हैं आयुष्मान कार्ड से सेवाओं का लाभ उठा रहे थे, आयुष्मान कार्ड में जितनी भी सेवाएं मिल रही थी प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात की जाए वहां पर, तो अब उनको 1 जुलाई से ये तमाम सेवाएं जो है वो नहीं मिलने वाली हैं। कोशिश करने के बाद जो है ये चीजें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि डॉक्टरों का कहना है कि वो बार बार मिल रहे हैं और मिलने के बाद कोई भी बड़ा फैसला उनके लिए नहीं लिया गया है, उनके हक में नहीं लिया गया है, जिस वजह से आज परेशान होने के बाद जो है तमाम डॉक्टर्स जो है जिला सचिवालय में पहुंचे थे और एक बड़ा फैसला लिया गया है कि 1 जुलाई से कोई भी सेवा वो नहीं देंगे आयुष्मान कार्ड के ऊपर। फिलहाल डॉक्टरों का क्या कहना है ये भी हम जान लेंगे। स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमने रिक्वेस्ट करी है ताकि हम उसको प्रॉपरली फंक्शन कर सकें, प्रॉपरली चला सकें और गरीब बेनिफिशियरीज को हम इस स्कीम का बेनिफिट दे सकें। अगर वो स्ट्रीमलाइन हो जाता है तो हम अपनी सर्विसेज कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज हम अपनी सर्विसेज 1 जुलाई से बंद कर देंगे आयुष्मान बेनिफिशियरीज के लिए, क्योंकि हम पिछले 6-8 महीने से बहुत परेशान हैं, बार बार आश्वासन दिए गए हैं बट अभी तक हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला। तो अभी कितने मरीजों का इलाज है जो करनाल जिले में इस योजना के तहत चल रहा है? बहुत मरीज है, 18 करोड़ की पेमेंट तो अभी पेंडिंग है। बहुत मरीज, ये कब से पेंडिंग है, कितने दिन? पिछले 6-8 महीने से नहीं मिल रही है। तो वजह क्या है, पेमेंट जारी होने में क्या दिक्कत रहती है? ये तो अब स्टेट हेल्थ अथॉरिटी का अगला कदम क्या होगा, हम लोग सर्विसेज विड्रॉ करेंगे। फिलहाल करनाल जिले के सर डॉक्टरों के करनाल जिले के डॉक्टर 27 तारीख को मीटिंग भी बुलाई है सीएमओ सर ने, उसके बाद डीसी सर ने सीएमओ सर के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ ही हो रहा है। हां जी हां जी, शिकायत है आयुष्मान योजना, हमारी की समस्या है आयुष्मान को लेके, वो समस्याओं का आज मेमोरेंडम हमने डीसी सर को दिया है। हम चाहते हैं कि सारी चीज़ें एक बार स्ट्रीमलाइन हो जाए और अभी हमें बहुत दिक्कत आ रही है ये कार्य स्कीम के साथ काम करने में, तो इसमें हमारी जो प्रॉब्लम्स है बहुत ज़्यादा उनको सॉल्व नहीं किया गया है। तो हमारी तो सरकार से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि जो हमारी समस्याएं हैं उन पर ध्यान दिया जाए और जल्दी से जल्दी इनको रिजॉल्व किया जाए। अल्टीमेटम दे रहे हैं कि इलाज नहीं करेंगे, अल्टीमेटम दे रहे हैं, हम इसके बाद देंगे। 27 को भी मीटिंग है, उसके बाद फिर हम फाइनल कॉल लेंगे। क्या वजह है, पेमेंट का इशू क्या रहता है, क्यों नहीं समझ? इनकी इन्होंने जो सरकार ने है टीएमएस पोर्टल चेंज किया है, पहले 1 था टीएमएस पोर्टल, 2 पे गए हैं लेकिन उसका सॉफ्टवेयर ढंग से काम नहीं कर रहा और उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। अभी कितनी करनाल की बात की, कितने इलाज का पेंडिंग है? 18 करोड़ की पेमेंट पेंडिंग है। तो अभी जो आप डीसी से मिले थे क्या कुछ आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इस पर कार्य कर रहे हैं, अब देख उन्होंने फिर 27 को बुलाया है, 27 तारीख उसके बाद। एक और है कि आयुष्मान योजना के तहत जो इलाज होते हैं अक्सर उनके जो भुगतान होता है उनका जो बिल होता है बाकी सब आपको 27 तारीख के बाद।